Hello, my dear students. Today we are going to discuss a very important topic, that is about two spots which is found in eye, human eye. So we are going to start here, blind spot and yellow spot. So blind, as the name suggests, here rod and cones are absent. First point you will write here, rod plus cones. दोनों के दोनों क्या होंगे? एब्सेंट होंगे यहाँ पे. और दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो येलो स्पॉट में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स होगा. कोन्स काफी कंसंट्रेशन में होंगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स. रॉड और कोन्स है, मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ स्टूडेंट, दे बोथ आर फोटो रिसेप्टर सेल्स. और यहाँ पे जो रॉड्स होंगे, रॉड्स आर एब्सेंट. ये पॉइंट आपको मेमोराइज करना होगा. दूसरी बात, हम लोग स्टूडेंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी. नो इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस रीजन. और अगर इधर की बात करें हम लोग येलो स्पॉट की, तो यहाँ पे इमेज जो है वो शार्पेस्ट बनेगी. इमेज इज शार्पेस्ट at this region. आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि ब्लाइंड है तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी. और इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ इस पॉइंट को, नो इमेज. और यहाँ पे शार्पेस्ट इमेज बनेगी. यहाँ पे रॉड्स एबसेंट होंगे, यहाँ पे दोनों एबसेंट हैं. ये पॉइंट आपको याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो यहाँ पे ए रीजन एट द बैक ऑफ आई फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स. ये हमारा वैसा रीजन है जो कि एट द बैक ऑफ आई प्रेजेंट है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ आई. और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व यहाँ से लीव करती है, वेयर ऑप्टिक नर्व्स विल लीव. और आपको स्टूडेंट्स ये पता है कि ऑप्टिक नर्व जो होती है वो नर्व है जो कि हमारे आई में मिलती है, ऑप्टिक नर्व. येलो स्पॉट की अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज अ रीजन एट द बैक ऑफ आई एंड एट द सेंटर ऑफ रेटिना. एट द सेंटर ऑफ रेटिना, वेयर जहां पे लाइट रेज की फोकसिंग होगी, लाइट रेज आर फोकस्ड. In the normal eye. So this is all about blind spot and yellow spot, students. And I have given this comparative chart so that the things will become more clear to you. Suppose in theory question will come like that, define blind spot, you can easily answer. And if any question is based on differentiate between, you can also able to answer. So my next video will be on aqueous humor and vitreous humor, students. So I hope this video will be helpful for your studies. Thank you, my dear students. I hope we will meet soon. Bye bye. Take care.